हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैच होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच। दोस्तों इस वीडियो में आपको टाटा आईपीएल 2024 के मैच की ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन बताऊंगा, टीम बनाकर दिखाऊंगा आरसीबी वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के मैच की। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। दोस्तों आपको पता है, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने कैसी टीम बनाई थी पिछले मुकाबले में। दोस्तों कल मुकाबला था मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। दोस्तों सबसे पहले हम उस मैच की टीम आपको दिखा देते हैं कि हमने उस मैच में कैसी टीम बनाई, जो जिसे को देखकर आप मुझ पर विश्वास कर सके कि मैं कैसी टीम बनाकर देता हूँ आपको। तो दोस्तों हम टीम बनाते हैं हाउस एट पर, और ड्रीम इलेवन पर भी हमने टीम बनाई थी। दोस्तों सबसे पहले हम टीम देखेंगे हाउस एट पर। दोस्तों आप देख सकते हो हाउस एट ऐप मैंने ओपन कर लिया अपने फ़ोन में, और दोस्तों हाउस एट ऐप अब ओपन होने ही वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं हाउस एट ओपन हो चुका है, और दोस्तों मैं आपको अपनी टीम बनाऊंगा दिखाऊंगा जो मैंने आप मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस के मैच में बनाई थी, और मैंने वहां पर कितने रुपए विन किए थे, मेरी वहां पर कैसी रैंक आई थी। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने अपना टीम आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपको बताया मैंने इस वाले कॉन्टेस्ट में ज्वाइन की थी। दोस्तों अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको टीम बनाकर बताई थी, मैंने कॉन्टेस्ट बताए थे कैसे आप आईफोन 15 जीत सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 39 रुपये की एंट्री है हमारी, वहाँ पर 8710 लोग खेलते हैं, यहाँ पर फर्स्ट प्राइज आईफोन 15 है। दोस्तों कल मेरी जो रैंक थी वह 83 आई थी। दोस्तों मेरे पास तीन प्लेयर्स ख़राब थे। अगर मेरे पास मोहित शर्मा, उमेश यादव, जेराल्ड कोइटी जी होते, ईशान किशन, हार्दिक पांडे, राशिद खान की जगह, तो मैं आईफोन 15 जीत जाता कल के मुकाबले में। दोस्तों आप मेरी टीम देख लीजिए। दोस्तों हमारी टीम में कैप्टन रोहित शर्मा थे, वाइस कैप्टन असमतुल्ला उमर थे। दोस्तों हमारे पास स्पेंसर जॉनसन भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, एंड तिलक वर्मा थे, साई सुदर्शन थे, सुमन गिल एंड सिद्धिमान साहा। दोस्तों हमारे पास ईशान किशन खराब थे, ईशान किशन की जगह डिवाइड ब्रेविस होते, लेकिन हमको पता नहीं था डिवाइड ब्रेविस इंपैक्ट प्लेयर के हिसाब से आएंगे, लेकिन ईशान किशन ना भी होते तो ईशान किशन की जगह उमेश यादव होते एंड हार्दिक पांड्या की जगह मोहित शर्मा होते, और दोस्तों राशिद खान की जगह हमारे पास एक कोई और प्लेयर होता तो हम आसानी से कल आईफोन 15 जीत जाते, क्योंकि आपको पता जिसकी पहली रैंक आई थी वह मुझसे बस कितने पॉइंट आ गए दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा 80 या 90 पॉइंट्स आ गए था मुझसे, और वह आप देख सकते हो मेरे 658 पॉइंट थे, उसके 740 पॉइंट थे मात्र, वह मुझसे 40-80 पॉइंट आ गए थे। दोस्तों आप देख सकते हैं उसकी जो टीम थी उसके पास उमेश यादव थे, जेराल्ड कोइटी जी थे बस, और दोस्तों उसके पास नमन धीर थे, और इस दोस्तों मेरी बस यही ख़राब हो गई टीम थोड़ी सी, और दोस्तों मैं आसानी से कल जीत जाता अगर मेरे पास तीन प्लेयर्स और होते वो। तो दोस्तों मैंने प्रूफ दिखा दिया आपको कि मैं कैसी टीम बनाता हूँ। दोस्तों सेकंड टीम हमारी ये वाली थी, इसमें हमारे जो कैप्टन थे वह शायद जसप्रीत बुमराह थे, और वाइस कैप्टन स्पेंसर जॉनसन थे। दोस्तों ये वाली टीम हमारी 555 की रैंक पर आई थी, 555 रैंक पर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाली टीम भी हमारी काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पर कैप्टन हार्दिक पांड्या थे एंड वाइस कैप्टन शुभमन गिल, हमारे यहाँ पर मोहित शर्मा इस टीम में थे। दोस्तों उस टीम में नहीं थे, इसमें मोहित शर्मा थे, उसमें मोहित शर्मा नहीं थे, और दोस्तों इसमें ये भी टीम अच्छी थी वो भी अच्छी। दोस्तों हमारी पहली रैंक आई तो हम आईफोन 15 जीत सकते हैं। आप देख सकते हो ये वाला बंदा आईफोन 15 का मोबाइल जीत गया, इसकी 740 रैंक आई थी, और दूसरा बंदा 2000 जीता तो उसकी सेकेंड रैंक आई थी। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके पास जेराल्ड कोइटी जी थे बस, और उमेश यादव थे, और ये आसानी से जीत गया। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आईफोन 15 जीतना काफ़ी ईजी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग कम खेलते हैं। दोस्तों अगर आप भी आईफोन 15 जीतना चाहते हो तो आप हाउस एट पर ट्राई कर सकते हो। दोस्तों हम ड्रीम इलेवन पर आपको अपनी टीम बनाकर दिखा देते हैं कि हमने ड्रीम इलेवन पर कैसे टीम बनाई थी। दोस्तों देख सकते हैं आप, तो दोस्तों ड्रीम इलेवन पर आप देख सकते हो मेरी टीम। दोस्तों गुजरात और मुंबई की ये टीम थी जो कि मेरी आई थी 60,000 रैंक पर। दोस्तों मेरी 60,405 रैंक आई थी 43,33,694 लोगों में। दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है 60,000 पर रैंक लाना। दोस्तों मैं आपको टीम दिखा देता हूँ मेरी कैसी टीम थी। दोस्तों कल के मुकाबले में, जो कल मुकाबला हुआ था मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में, यहाँ पर जो मेरे कैप्टन थे वह जसप्रीत बुमराह थे, वाइस कैप्टन स्पेंसर जॉनसन थे। दोस्तों इसमें भी हमसे तीन गलती हुई, हमारे पास मोहित शर्मा नहीं थे शायद इस मुकाबले में, और जेराल्ड कोइटी जी भी नहीं थे। दोस्तों हमारे पास रिद्धिमान साहा भी थे, रोहित शर्मा थे, सुमन गिल भी थे, तिलक वर्मा थे, साई सुदर्शन भी थे, असमतुल्ला उमरजाई भी थे, स्पेंसर जॉनसन वाइस कैप्टन थे, कैप्टन जसप्रीत बुमराह। दोस्तों हमारे पास हार्दिक पांड्या, रिद्धिमान शाह एंड ईशान किशन, हमारे पास इसमें ईशान किशन नहीं होते, हार्दिक पांड्या नहीं होते, राशिद खान नहीं होते, इनकी जगह कोई और होते तो ये वाली टीम भी हमारी पहले पर आ जाती।
दोस्तों अब हम टीम बनाकर दिखाएंगे आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के मैच की। दोस्तों अगर आप भी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया कि मैं कैसी टीम बनाकर देता हूँ, तो दोस्तों हम टीम बनाकर दिखाएंगे आपको आपको कैसी टीम बनानी है ड्रीम इलेवन पर या फिर हाउस हेड पर। दोस्तों टीम एक जैसी बना कहीं भी कोई से भी कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों नेटवर्क इशू चल रही है थोड़ी सी बस। दोस्तों हम टीम क्रिएट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा ये पिच कैसे रहने वाली है, यहाँ पर कौन से गेंदबाज को मदद मिलेगी। दोस्तों पिच बैटिंग रहने वाली है क्योंकि ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम, यहाँ पर बैटिंग पिच रहती है, यहाँ पर तेज गेंदबाज को मदद मिलेगी। एवरेज स्कोर 190 है। दोस्तों काफ़ी रन बनने वाले हैं कल के मुकाबले में। यहाँ पर तेज गेंदबाज को मदद मिलेगी, स्पिन गेंदबाज को मदद नहीं मिलती है। दोस्तों काफ़ी मुश्किल होगी यहाँ पर टीम बनाने में। दोस्तों आपको बता विकेट कीपर में जितेश शर्मा आ जाते हैं, दिनेश कार्तिक आ जाते हैं, फिर सिमरन सिंह, अनुज रावत। दोस्तों फिर सिमरन सिंह इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ जाते हैं। अनुज रावत ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी पिछले मुकाबले में, एंड दिनेश कार्तिक ने भी अच्छी बैटिंग की थी जितेश शर्मा। दोस्तों उस दिन दिनेश कार्तिक अनुज रावत की बैटिंग जल्दी आ गई थी, लेकिन कल के मुकाबले में जल्दी नहीं आएगी क्योंकि कल विराट कोहली एंड फाफ डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन रन बनाने वाले हैं। दोस्तों हम विकेट कीपर में जितेश शर्मा को लेकर जाएंगे क्योंकि जितेश शर्मा की बैटिंग आएगी और रन भी बनाएंगे जितेश शर्मा क्योंकि वह पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे। दोस्तों शिखर धवन को हम अपनी टीम में लेंगे, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, धोनी, वरिष्ठ। हम मात्र चार प्लेयर लेंगे और आप रजत पाटीदार की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि उनकी सेल जो है काफ़ी कम है। दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल, सैम करन, लियम लिविंगस्टन, कैमरन ग्रीन की तरफ आप जाएंगे। दोस्तों तेज गेंदबाज में आप अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, लकी फर्गूसन खेलेंगे तो उनकी तरफ भी जा सकते हैं। दोस्तों अब बात आ जाती है हम किसको लें। दोस्तों हमें दो गेंदबाज लेने हैं। दोस्तों मोहम्मद सिराज को ले सकते हैं क्योंकि उनकी सेल जो है कम है, उन्होंने पिछले मुकाबले में विकेट नहीं लिया था लेकिन वह चिन्ना स्वामी स्टेडियम में विकेट ज़रूर लेते हैं। दोस्तों हम मोहम्मद सिराज को अपनी टीम में लेंगे एंड अर्शदीप सिंह को या कगिसो रबाडा में से किसी एक को अपनी टीम में लेंगे। दोस्तों आप कगिसो रबाडा को अपनी टीम में ले सकते हैं। दोस्तों हमारे पास दो दो ऑलराउंडर दोनों टीम के हो गए, सैम करन लिविंगस्टन पंजाब के, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन आरसीबी के। दोस्तों कैमरन ग्रीन ओवर भी कराते हैं इसलिए हमने ले ली। दोस्तों दो दो बल्लेबाज हमारे पास हो गए, दोस्त शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो पंजाब, कोहली, फाफ आरसीबी। दोस्तों विकेट कीपर हमारे पास जितेश शर्मा है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी टीम जो काफ़ी अच्छी बनी। आप दोस्तों जा सकते हैं रजत पाटीदार की तरफ एक प्लेयर को छोड़कर। दोस्तों अब बात आ जाती है कैप्टन वाइस कैप्टन की। दोस्तों 20% कैप्टन जो है फाफ डू प्लेसिस हैं, विराट कोहली 19% कैप्टन है, एंड कैमरन ग्रीन 8%, ग्लेन मैक्सवेल 18% कैप्टन है। दोस्तों आज के मैच में हम दोस्तों कैप्टन बनाएंगे विराट कोहली को। दोस्तों चिन्ना स्वामी में ये मैच और हो सकता है विराट कोहली कल सेंचुरी मारें। दोस्तों विराट कोहली को आप कैप्टन जब बनाना जब विराट कोहली बाद में बैटिंग करें तो, और पहले बैटिंग करें तो आप ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन या वाइस कैप्टन कर सकते हैं और फाफ डू प्लेसिस की तरफ भी जा सकते हैं, एंड जितेश शर्मा हैं एंड शिखर धवन की तरफ भी आप जा सकते हैं, एंड कैमरन ग्रीन को कैप्टन बना सकते हैं क्योंकि वह नंबर चार पर बैटिंग करने आते हैं और दोस्तों वह ओवर भी कराते हैं। दोस्तों सैम करन को कैप्टन वाइस कैप्टन आप कर सकते हैं। दोस्तों इस मैच में कैप्टन कर देंगे आप कैमरन ग्रीन को, वाइस कैप्टन करेंगे सैम करन को क्योंकि यहाँ पर ऑलराउंडर की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। दोस्तों सैम करन ओवर भी कराएंगे, हो सकता है उनको एक या दो विकेट मिल जाए और 25-30 रन बना दें, वहीं पर कैमरन ग्रीन भी एक दो विकेट ले जाएं और 25-30 रन बना दें तो अच्छे खासे पॉइंट्स लेकर जाएंगे। दोस्तों विराट कोहली को भी आप ट्राई कर सकते हैं एक दो टीम में। दोस्तों हमारी टीम जो है बनकर हो चुकी है रेडी। दोस्तों मैं आपको प्रूफ के साथ ज्वाइन करके भी दिखाता हूँ। दोस्तों कोई भी आपको ज्वाइन करके नहीं दिखाता होगा लेकिन मैं दिखाता हूँ। दोस्तों हम 39 वाली एंट्री ज्वाइन करने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ज्वाइन कर ली है प्रूफ के साथ। दोस्तों हमारी टीम जो बनकर हो चुकी है रेडी। आप देख सकते हैं हमारी टीम ये है। दोस्तों काफ़ी अच्छी टीम है हमारी। दोस्तों आप देख सकते हैं मोहम्मद सिराज, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, तीन ऑप्शन हमारे पास आरसीबी के गेंदबाजी के, वहीं पर किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से कगिसो रबाडा, सैम करन, लियम लिविंगस्टन ऑप्शन है। दोस्तों काफ़ी अच्छी टीम हो सकता है ये वाली टीम, आप ट्राई करो और आप भी विन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं आपको पूरा IPL टीम बनाकर दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ऑल फ्रेंड्स।